आज अमृतसर के संस्थापक सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का ज्योति ज्योत दिवस पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पवित्र सरोवर में स्नान कर अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु घर में नतमस्तक होकर वाहे गुरु के सामने अरदास कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज के दिन श्री हरिमंदर साहिब में पहुंचे श्रद्धालु खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। सुखमंदर सिंह मेरा नाम जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। अब चौथे पातशाह साहब श्री गुरु रामदास पातशाह जी ज्योति ज्योत पुरब है जी। समूह संगत हरिमंदर साहब देखे अभी मना रही हैं जी ज्योति ज्योत पुरब। और अज के दिन गुरु रामदास पातशाह जी ज्योति ज्योत समाए सन जी। इस संबंध से अच्छे हरिमंदर साहब सवेरे प्रकाश अरदास बेनती भी की महाराज चरणा जी। सारियां नूं मैं जिन्हें भी वीर भरा पंजाब के बाहर के देशों विदेशों वाले अज ज्योति ज्योत की पातशाह का त्यौहार आ जिथे सभ्य थाओ नहीं तुत जिहा। एक पातशाह ने सानू इहोजिहा स्थान बना के इहोजिहा गुरु घर बना के कौम उत्ते बड़ा एक परोपकार किया जिथे लोकां दुखियां का दुख दूर हुंदा वा। पातशाह ने सानू नमाणियां दे माण नताणियां दा ताण धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी। अज उन्हां दा ज्योति स्वरूप आ पातशाह दा। अज दे दिन पातशाह ज्योति स्वरूप पूरे होए सन उन्हां दे करके गुरपुरब आ अज पातशाह दा। अज गोंदवाल साहब लखां दुनिया उत्थे पहुंची आ दर्शन करन वास्ते। इस तरह दरबार साहब दे विच वी जदों दरबार साहब दर्शन करन आए संगतां दे दर्शन कीते बड़ा मन गदगद होया। उत्थे वेख्या बहुत सचेरे ढंग दे नाल श्रोमणी कमेटी ने प्रबंध कीता सी। हर एक नूं जिन्ने वी आ उन्हां नूं सैनिटाइज करके जां मूँह ते मास्क पाउण वास्ते आख्या जांदा। लंगर दे विच वी इसे तरह ही पातशाह ने रामदास सच्चे पातशाह जिथे दरबार साहब का नींह पत्थर मियाँ मीर को रखा के चौं वर्णा नूं सांझा ये दरबार साहब की सारी कराई सी उत्थे ही तां लंगर ला के लंगर दे विच पंगत वित दा आदेश दिता। जिन्हें भी आ किसी धर्म नूं नहीं वेख्या जांदा किसी की जात पात नहीं वेखी जाती। कोई भी रामदास के घर आउंदा ते वह लंगर छकदा ते श्रद्धा भावना दे नाल इत्थे मत्था टेक के अपने मन दीआं पूरीआं करदे ने। जीवन तों की सिक्ख्या लैणी चाहीदी है? पातशाह ने हमेशा ही हर एक नूं दुखीए दा साथ दित्ता वा जिहड़ा माड़ा उहनूं गल नाल लाया वा। सानूं वी इहो उद्देश है पातशाह दा। अज दे दिन आपसी विच प्यार दे नाल मिल वकपड़े प्यार दे नाल आपसी रह सहमती दे नाल रहना चाहीदा वा। एक दूजे नाल प्यार नाल रहना चाहीदा वा। मालिक भी इहो घर भी गुरु घर सानूं इहो देखिया मिलदी आ भी आपसी किसी का वैर विरोध नहीं रखना चाहिए। सानू इन चीज़ों तो उठ के गुरु घर के नाल जुड़ना चाहिए। वो तो पातशाह दर से आओ तो अपने जो भी दिल के है वो अपने मन दियाँ बलबले पातशाह दसो तो पूरी करेगा पातशाह रहमता करेगा तुहाडे घर सुख शांति रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव भारत। बाबा अजमल खान जी 11 घंटों में 100% समाधान गारंटी कार्ड के साथ। दो साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, लेकिन की दुआ से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था, लेकिन दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया। भटको चाहे जिधर, काम होगा सिर्फ इधर। स्पेशलिस्ट गृह कलेश, तरक्की, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा में रुकावट, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, जमीन जायदाद, संतान प्राप्ति, मन चाहा वसीकरण, सभी इल्मों के माहिर बाबा अजमल खान जी। कोई भी समस्या क्यों ना हो, एक बार अवश्य मिले।